आप पत्रकार बंधु देख रहे हैं कि कैसे सरकार की नीति चल रही है, माने कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये लोग कैसे जो है सो कि परसों हम लोग युवा लोग का अधिकार मांगने के लिए मेरे नेता गए तो उनको भी मारने का प्रयास किया गया, कितने औरतों को पीटने का प्रयास किया गया, मैंने अपने से ढेला पुलिस चला चला करके और इधर बदनाम करने का प्रयास किया गया कि इधर से ढेला चलाए, पॉकेट में ढेला लेके कोई गया था, पॉकेट में ढेला लेके कोई गया था, ये सारा साजिश ये लोग नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है और इनके कुछ गुंडे लोग हैं ये लोग साजिश कर रहे हैं। जैसे विधानसभा में घुस करके गुंडागर्दी की गई, अति पिछड़ा और महादलित के औरतों के साथ जो नंगा नियुक्त किया गया है उसको बिहार की जनता कभी भी माफ करने के लिए नीतीश कुमार को तैयार नहीं होगी। दूसरी बात कि नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता पर से विश्वास उठ चुका है, इसलिए वो अब कुछ गुंडे का सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं और गुंडागर्दी करके ये बिल पास करवाने का इन्होंने काम किया है। बंदूक के नोक पर कैसे एसपी और डीएम और इनके कुछ गुंडे लोग जो पर्सनल इनके सौजातीय हैं उनको बुला करके हमारे विधायकों को पीटने का प्रयास किया गया है। ये अभी ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है, कल फिर बिहार बंद है और फिर हम लोग शांतिपूर्ण से हम लोग बिहार बंद करेंगे, मगर जान रहे हैं कि इनके कुछ गुंडे फिर असामाजिक तत्व लोग हम लोग के भीड़ में घुस करके कुछ करने का प्रयास करेंगे, इससे हम लोग को भी सचेत रहना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शिक्षा पे सवाल खड़ा हो गया है। अच्छा ये वो बात बताइए, ये सब जो नटकिया है ये सब के आप कुछ बचबो किया है का? नीतीश कुमार के बच्चा के कितना का क्वालिफिकेशन है ये पहले बताइए, ऐसे ही डिग्रिया लेने से हो जाता है? डिग्री ले लेने से खड़ा हो पाएंगे तेजस्वी जी के सामने? बहुत ही लोग पढ़ा लिखा है, सब अपना अपना बेटा के निकाले और फरियाबे सामने कौन कितना पढ़ा हुआ है? अरे इन लोग का तुलना, इन लोग का यही काम है तो नौटंकी करता है, तो कहिए दिए अपराध पर इन लोग बोल रहा है। अभी फिर हमारे आरजेडी के नेता की हत्या हुई है दरभंगा में, सरयाम गोली मार दिया गया है, फिर बेगूसराय में हत्या हुई, आरा में हत्या हुई, बलात्कार हो रहा है, इस सब पर नहीं तो एडमिशन करा देते हैं, और कुछ नहीं बचा है। अरे तेजस्वी जी में इतना ज्ञान है ना कि दिखा दिए थे चुनाव में कि जहां एक हेलीकॉप्टर लेके तेजस्वी जी घुमा करते थे उनके पीछे ये लोग कितना हेलीकॉप्टर दौड़ाया करते थे। इसी के लिए मैं कहा हूं कि तेजस्वी जी शेर हैं, इन लोमड़ियों से डरने वाले नहीं, इन लोमड़ियों के झुंड से, जो ये लोग लोमड़ी का झुंड है ना, शेर डरने वाला नहीं है। और शेर अगर ऐसा लंबा छलांग मारेगा कि इन लोग के पते चल जाएगा, अभी देखिए आगे धीरे धीरे क्या क्या होता है। क्या होगा बताइए, क्या होगा तो पते चल जाएगा, तो उन्हीं लोग को पता चल जाएगा, जनता सब जान रहा है, जनता जवाब देगा। अभी वो जनते ना जवाब दिया, ये जो चोर दरवाजा से ना ईवीएम का क्या 3 बजे रात तक गिनती होता है क्या? चोर दरवाजा उसको कहते हैं जो चोरी करता है, जो बेईमान होता है ना, उसको चोर कहा जाता है। चोर दरवाजे से चोरी करके, कैसे चोरी करके? कोई चीटिंग करके परीक्षा में पास कर जाता है, यही होता है चोर दरवाजा। और क्या होता है चोर दरवाजा, आपको थोड़ा नहीं पता है चोर दरवाजा किसको कहते हैं।